बड़ा अच्छा लगा। ये हमारे यहाँ पे जो हमारे एसपी साहब है उनके बेटे हैं। शाम तक कंप्लीट हो जाएगा? हो जाएगा। वॉलपेपर लेके आ, वॉलपेपर लेके। वो देखो हाई टेक्नोलॉजी। ये बढ़िया। इतना थक गया यार, पूछो मत। नहीं पूछ लो। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, सबसे पहले तो आज है अरफा और कल है ईद, लेकिन आप ये व्लॉग देख रहे होंगे ईद के दिन, मतलब कल। तो हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से, तहे दिल से ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि सबकी ईद अच्छे से रहे, सब अच्छे से ईद मनाएं, सब खुश रहें, सब कामयाब रहें और सब तरक्की करें और सब सब कुछ करें। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे ये निकालना भूतिए, चल। क्या मेरी तरफ से सबकी कुर्बानी? तुम्हारी तरफ से क्या सबकी कुर्बानी? भाई खुद को कुर्बान करने वाले लोग। बोल बोल बोल। अच्छा बोल, आराम से बोल, से बोल, बोलना। सबकी कुर्बानी कबूल। आमीन आमीन सबकी। तो दानिश भाई बोलना चाहते हैं कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि सबकी कुर्बानी कबूल हो। तो आमीन, बिल्कुल। तो अभी फिलहाल आज हमें बहुत सारा काम करना है। कुर्बानी कबूल हो हमारी भी, सबकी ऑब्वियसली। तो आज हमें बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि हमारा ऑफिस का काम चल रहा है पिछले 2-4 दिन से। तो कल हमारा वॉल पुट्टी का काम पूरा डन हो गया, अल्युमिनियम का भी थोड़ा पेंडिंग है, तो आज अल्युमिनियम का काम करना है, प्लस आज वॉल पेपर लगाना और पावर फिटिंग करनी है। और फिर उसके बाद मुझे लानी है घर के लिए बेकरी, ईद की बेकरी लानी है। एंड उसके बाद दानिश भाई को ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है सोमो स्टैंड में, एंड फिर सोमू से डायरेक्ट जाएगा घर। पहली ईद घर में मनाएगा, फिर दूसरी ईद को वापस आएगा इधर इंशाल्लाह, क्योंकि इनके घर में कुर्बानी है ना, तो कुर्बानी करके वापस आएगा इधर। एंड फिर हम दूसरी ईद पे कुछ बढ़िया प्लान करेंगे, कुछ बढ़िया सा, साथ में पूरी टीम। लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं जल्दी से ऑफिस और देखते हैं ऑफिस में कैसा काम चल रहा है। वहां पे सारी टीम हमारी पहुंच गई ऑलरेडी, टीम भी पहुंच गई, सारे बंदे भी पहुंच गए जो काम कर रहे हैं। तो लेट्स गो। कुछ ज्यादा तेज नहीं बोल दिया मैंने? नहीं। चलो अब बीस्ट इज हियर। कल इसकी सर्विस कराई थी, एकदम चमक रही है माशाल्लाह। चाबी कैच कैच। ओह व्हाट अ कैच, बिस्मिल्लाह। उई ओ भाई, सीट इतनी गर्म है यार, उई देख धूप पड़ती है यहाँ पे। गेट को करते हैं बंद और चलते हैं। चलिए सर। गेट इन ब्रो, गेट इन। चलिए सर। चले सीट बेल्ट पहन लो। चलो जी। हाय हाय, गाड़ी में क्या फील आ रहा है? कौन सा फील आ रहा है, पहली बार बैठे हो क्या? नहीं, सर्विस के बाद पहली बार बैठना। अच्छा अच्छा, यूजुअली हमारी गाड़ी गंदी रहती है ना, अब एकदम फ्रेश फ्रेश। उतरो दोस्तों। सर जी आप इतना बिजी किस चीज में हैं? वॉलपेपर्स देख रहा हूँ मैं। वॉलपेपर देख रहा, देखा ना, ये नहीं, वो बेडरूम वाले वॉलपेपर्स हैं, ऑफिस वाले दिखा। ऑफिस वाले भी हैं, देखते हैं। आजा अंदर अंदर आजा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? अच्छे से भाई, आप ठीक हैं? अच्छे से जी भाई। तेल मंगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई? अमन भाई गए? अमन भाई ये देख लो जी, ये कल वॉल फिटिंग का काम हो गया था और अभी हो रहा है पावर का, पावर फिटिंग। ये देखो नाइस, और एल्युमिनियम भी लग रहा है, कलाकार शायद भाई। वो 121.5। शाम तक कंप्लीट हो जाएगा? हो जाएगा। वॉलपेपर लेके आ, वॉलपेपर लेके। वो कह रहा है कि 12 बजे तक करूँगा बेटा। रात के 12 बजे तक काम होगा आज। उसे भाई ऑफिस बढ़िया है हमारा? हाँ बहुत बढ़िया है। बढ़िया शाबाश। फाइनली 15 मिनट के बाद जनरेटर स्टार्ट हुआ है। उतरो भाई। ओ भाई भीड़ कितनी है यार। पता क्या लाए? हाँ वॉलनट केक, वॉलनट केक, वॉलनट केक। इसमें कुछ कुकीज कुकीज ले लो। ये बढ़िया है।
ये लेते लेते हैं, पकड़ पकड़। कैश यूनिट्स में लेगा? नहीं यार, ये जरूरी है। ये सफेद है ये वाली, ब्राउन ये अच्छे। क्रीम रोल है? क्रीम रोल, हाँ हाँ। ओके गाइस, ईद की थोड़ी बहुत रोटी ले ली हमने, ईद की बेकरी, और ऑफिस में भी नज़र मार ली हमने। ऑफिस का काम चल रहा है बढ़िया तरीके से। अभी एक अभी 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 1 बजे वॉलपेपर का काम स्टार्ट होगा, उस टाइम फिर से नज़र मारेंगे। फिलहाल हम घर जाएंगे खाना खाने, और बेकरी रखेंगे घर पे, बेकरी, एंड देन वी विल कम बैक। इसलिए भरती है ना, हम गाड़ी में करते हैं ब्लॉग। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ वहाँ से, आ जाओ वहाँ से, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी। बताइए भाई जान, क्या नाम है आपका? हमदान। किस क्लास में पढ़ते हैं हमदान? सिक्स्थ। कहाँ? DPS जम्मू। माशाल्लाह माशाल्लाह, कब से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं? 1 ईयर। हाँ, क्या बात कर रहे हैं, सही में? मेरे नानू नानी भी देखते हैं। हाँ, नाना नानी, अरे माशाल्लाह, थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा। ये हमारे यहाँ पे जो हमारे SP साहब हैं उनके बेटे हैं, तो ये मिलना चाहते थे, तो मैंने बोला आ जाओ मिलते हैं। तो कभी आ जाओ यार, कभी आ जाओ, फैमिली को लेकर घर आ जाओ कभी, इंशाल्लाह मिलता है ना। और जम्मू में गर्मी लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी तो यार पक जाता होगा बंदा। और को मैं AC ऑन करता हूँ, यहाँ पर गर्मी है वैसे भी। और अच्छा, क्या ना पढ़ाई में किस चीज़ में इंटरेस्ट है वैसे? IPS ऑफिसर। अरे वाह माशाल्लाह, तो आपके पापा का ही फील्ड चूज करना आपने। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्रिकेट वगैरह खेलते हो? कौन, क्रिकेट, फुटबॉल, ज़्यादा क्या? क्रिकेट। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो फिर कभी मिलते हैं, इंशाल्लाह आ जाओ कभी, है ना। अभी चलोगे मेरे घर चलोगे? और ईद पे क्या प्लान है, ईद के क्या प्लान है? बाबा ऋषि जाना। बाबा ऋषि फैमिली के साथ? अरे चलो, बाबा को मेरा सलाम बोलना, घर पे जो भी है नाना नानी जो मेरी वीडियोस देखते हैं माशाल्लाह, उनको मेरा सलाम बोलना, हाई बोलना सबको। और छोटी बहन आपसे छोटी की बड़ी है? छोटी है। छोटी है, तो उनको मेरे से हाई बोलना। और कभी आ जाना, सीरियसली बता रहा हूँ, कभी आ जाना घर, कभी इंशाल्लाह पार्टी शार्टी करते हैं ना, मस्त क्रिकेट मैच करते हैं साथ में, तो बढ़िया है ना। चले आ जाए, आ जाओ, चलो भाई जान। And guys, we are back to our sweet sweet home. Gate खोलो जी। एक बच्चा बहुत प्यारा था यार, अच्छा लगा मिलके बहुत ज़्यादा। तो बाय द वे, हाँ, अगर अभी उन्होंने बोला कि हमारे नाना नानी भी हमारी वीडियोस देखते हैं, तो नाना नानी को हाय, अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो, क्यों ये पूछ रहे थे कि व्लॉग कब आएगा, कब ऐसे वैसे, मैंने बोला कल आएगा व्लॉग, तो दिखाना घर पे सारा सबको। तो अगर आप देख रहे हैं इनके बाबा या इनकी मम्मा या इनकी नाना नानी, तो मेरी तरफ से आपको सलाम एंड ईद मुबारक। अबे यार, यहाँ से मैं गाड़ी में ठोक दूँ। बाय द वे गाइस, डांस को भी ड्रॉप कर दिया हमने, वो चला गया घर, और अब वो इंशाल्लाह आएगा दूसरी ईद को कुर्बानी वगैरह करके। तो यस, अभी मैं इस रूम में क्यों आया, मैं चलता हूँ स्टूडियो में, वहाँ से मुझे लैपटॉप से निकालना है कल वाले व्लॉग का डेटा। मुझे कुछ और करना था, मैं भूल गया। अरे हाँ यार, खाना खाना भाई, दिमाग इतना ऑक्यूपाइड हो गया है, खाना खाना यार, खाना खाते हैं पहले, फिर डेटा निकालते हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी 10 मिनट भी घर पे बैठे नहीं थे, कॉल आ गया कि फेविकोल लाओ, पेपर कटर लाओ, वो लाओ, ये लाओ, तो वापस जा रहे हैं ऑफिस, वो सामान दे दें, क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो चलते हैं, मौसम बढ़िया है, यहाँ से नज़ारे बहुत बढ़िया हैं, शायद भाई स्कूटी चला रहे हैं, लेट्स गो। उतरो जी, चलो सर जी। ये देखो गाइस, हमारी लाइटिंग चालू हो गई। ये देखो, ये गाइस, ये क्या है? ये देखो हाई टेक्नोलॉजी, तभी भी आवाज आई थी, स्विच भी लगा नहीं है, बाकी फैन भी यहाँ पर चालू हो गया, पावर गया भाई। बाकी मुर्तज़ा भाई कुछ मीटिंग में व्यस्त है अभी, और ये क्या चल रहा है वहाँ? अभी ये शूट हो रहा जी पिछले फ्रेम के लगभग 3-4 घंटा बाद। हाँ,
पूरा टाइम मैं ऑफिस में ही था। इतना थक गया यार, पूछो मत, नहीं पूछ लो, पूछा। पूरा टाइम ऑफिस में ही था। मार्केट के कम से कम मैंने 10-15 मैंने मार्केट के चक्कर मारे, कभी ये सामान लाओ, कभी वो सामान लाओ, कभी स्क्रू लाओ, कभी वो लाओ, कभी ये लाओ, कभी वो ये। तो पूरा टाइम उधर था मैं, व्लॉग मैंने बंद ही कर दिया और काम पे पूरा ध्यान दिया। एंड फाइनली फिर 3-4 घंटा बाद पूरा काम निपटा के आ गया मैं घर। अभी पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी आधा दिन और लगेगा, जो कि अब ईद के बाद ही लगेगा, मतलब ईद के बाद ही होगा तीसरी ईद इंशाल्लाह। और तीसरी ईद काम कंप्लीट होगा और फिर चौथी ईद हम सारा सामान शिफ्ट करेंगे। एंड फिर फिफ्थ ईद से इंशाल्लाह हम ऑफिशियली इनॉग्रेट करेंगे, इनॉग्रेशन सेरेमनी रखेंगे, देखते हैं उसका क्या सीन रहता है। तो प्रॉपरली फिर हम ऑफिस ही जाया करेंगे कंटिन्यू। तो बाकी अभी फ़िलहाल मैं इधर करके आ गया जी स्टूडियो में पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे ढूंढना है अपना कमीज सलवार, वो मुझे पता नहीं वो कहाँ पे रखा है हमने। सुबह 7:30 हमारी ईद की नमाज है, ईद नमाज, तो मुझे पता नहीं यार कमीज सलवार कहाँ पर है। ओ ऊपर ही है यार, ये तो है ना, लेकिन दूसरा वाला पहना था यार, धोया नहीं है शायद। ये वाला, ये देखते हैं यार, लेट्स सी। फिलहाल उम्मीद करते हैं कल अच्छे से रहे सब कुछ। कल हमें भी कुर्बानी है माशाल्लाह, कुर्बानी करनी है, लेकिन हमें घर पे नहीं करनी है, हमें दूसरी जगह पे करनी है, वो क्योंकि वो दूसरी जगह ही रखी थी हमने, है ना, भेड़ नहीं है हमारा इस बार, हमारा इस बार है वो क्या बोलते हैं उसको यार, गाय का बेटा, उसको क्या बोलते हैं, गाय के बेटे को क्या बोलते हैं, जो भी यार। तो हमारे पास घर पे शेड नहीं है ना, मतलब पालने वगैरह के लिए, उसको घास वगैरह देने के लिए, तो हमने वो दूसरी जगह पे रखा था। तो उधर ही हम चला कुर्बानी करने वाले हैं और फिर सारा गोश्त कर लाएंगे और फिर बांटने का देखेंगे क्या कुछ नहीं रहेगा, बांटेगा कौन क्या कैसे। तो शायद वालों को भी कुर्बानी है, इनका भी है भेड़ है शायद, पता नहीं। तो बस फिलहाल इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं, मैं सोच जाता हूँ सुबह जल्दी उठना है क्योंकि 7:30 नमाज है हमारी। तो इस वक्त ध्यान करते आपको लॉक्स ने बोर्ड सोचेंगे। तो लाइक आई विल सी समझ अटे दिल दैंग अस्सलाम वालेकुम एंड फिर एक बार ईद मुबारक। एंड कमेंट करो कि ईद कैसी रही, क्या कुछ आपने ईद पे किया, क्या कुछ ईदी कितनी मिली सबको, ईदी मिली कि नहीं। यार मुझे तो अभी ईदी मिलती ही नहीं है, मुझे कोई देता ही नहीं है, बट कल मैं नहीं मानूंगा, कल मैं सबसे ईदी लूँगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं क्या रहता है। बाय बाय।